कार्यकर्ताओं में केवल कार्यकर्ताओं को केवल चार्ज करने की जरूरत है, चार्ज करना है। तो आप लोग का मिलकर मेरा जहां जहां आप लोगों को वक्त चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप सही है वो देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो अभी तो ये ठीक है, मैं तो निकली कर देने वाला हूँ कि ये भूखे और हार फूल के लिए भी पैसा कार्यकर्ता का बर्बाद नहीं होना चाहिए। मेरे को प्यार से आप बुलाइए, जहाँ बोले वहाँ आपके सुख दुख में मैं खड़ा हूँ। और इसी तरह अपने को एक परिवार के रूप में कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। आने वाले दिनों में हमको ये जो चित्र आपने दिखाने की कोशिश की, इस चित्र का परिवर्तन अपने आप हो जाए। हमको कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर प्यार से जब हम सब साथ में लड़ना शुरू करेंगे तो हमको आप तो इतने सोचे हैं, इतने सालों से हैं, हमको बीजेपी से और उनसे लड़ने की जरूरत है। हमको अपने परिवार से लड़ना, वो जब लड़ाई अपने खत्म हो जाएगी ना तो अपने आप पार्टी चिंता हो जाती है। तो मैं यहाँ पर युवाओं की अच्छी तादाद, कि आपने बहुत अच्छा काम किया हो। अभी मुझे लगता है कि मैं अभी यूथ कांग्रेस के बारे में, यूथ कांग्रेस से हम लोगों का लगाव हमेशा रहेगा और यूथ को देखकर हम लोग फिर से उत्साहित हो जाते हैं कि हमारा यूथ कांग्रेस का ये दिन भी ऐसे। यूथ की टीम आप लोगों के साथ है, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर और ये जरा बोर्ड वगैरह बदल के यहाँ पे भी पोंगल इसी तरह से पिछली बार भी मैं आज से 8-10 दिन पहले यहाँ पर ही सबरा जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, आए थे। तो मुझे लगता है जितना उत्साह और एक कार्यकर्ताओं में यहाँ पर भी है, तो ऐसा कोई कारण मुझे दिखता नहीं है कि आने वाले दिनों में हमको कोई निराशा आती है। चार्ज करने की जरूरत है, ऐसे रोज आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आप लोगों को काम पे लगाते रहेंगे, अपने आप को चार्ज हो जाएगी, कार्यकर्ता चार्ज हो जाएगा उसका। मेरे यहाँ के मेरे को इन्फ्लुएंस करके गलत आदमी को पीछे दिलवा देना, गलत आदमी का प्रमोशन करना, वो होगा नहीं। तो इसके लिए एक कार्यकर्ता का चुनाव अपने आप, मैं इसीलिए तो घूमना शुरू किया हूँ कि इनको राकेश जी को बोला कोई मीटिंग की ऐसी आवश्यकता नहीं, हमको कार्यकर्ताओं को ऐसे मिलना है तो मालूम तो पड़े कि कौन कार्यकर्ता कैसे काम करता है। तो स्टेज के आगे मीटिंग करेंगे तो उसको क्या मालूम पड़ने वाला है कि हट गुनिया चप्पल लगने वाला आम जनता के साथ में जुड़कर काम करना है। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ में, आम आदमी के साथ में है। तो ये कार्य आप लोग कर रहे हैं, आप लोग इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इतने ही कहते हुए मैं अपने दो शब्द यहीं पे समाप्त करता हूँ। जब कभी आप लोगों को मेरी जरूरत यहाँ पड़ेगी मैं आपके लिए कंधे से कंधा लगा लूंगा। जय हिंद।